देशभर में शिखरजी बचाओ को लेकर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। दिल्ली के ऋषभ विहार में श्री समेत शिखरजी बचाओ आंदोलन में अनिश्चितकाल शांतिपूर्ण आमरण पर विश्व जैन संगठन बैठा है। तीर्थ रक्षा के लिए सभी एक स्वर में सरकार की हट धर्मिता का विरोध कर रहे हैं। विश्व जैन संगठन के तत्वावधान में 26 दिसंबर से श्री समेत शिखरजी बचाओ के आह्वान के साथ आमरण अनशन की शुरुआत हो चुकी है। पिछले चार दिनों में अध्यक्ष श्री संजय जैन के नेतृत्व में अनशन जारी है। सरकार के द्वारा पारित अधिसूचना में तीर्थराज श्री समेत शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने से समाज आक्रोशित है और अपने आक्रोश प्रदर्शन के क्रम में ही यह अनशन किया जा रहा है। 28 दिसंबर को मुनिश्री पावन सागर जी महाराज सह संघ भी अनशन स्थल पर पहुंचे और उपस्थित जैन समुदाय को आशीर्वाद देते हुए उनके इस प्रयास की सराहना की। जो पवित्र स्थान है और पवित्र भूमि है, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है, ऐसे पवित्र स्थान पर हम लोगों का एक श्रद्धा का स्थान है और वहाँ उस क्षेत्र से हमारी भावनात्मक जुड़ाव है, इसीलिए हम उस स्थान को, उस पवित्र स्थान में जा करके हम वंदना करते हैं और उस पवित्र भूमि को हम माथा टेक करके उसका चरण धूलि माथे पे लगा करके हम अपने आप को कृतकृत समझते हैं। ऐसे वह पवित्र तीर्थराज समेत शिखर, ये एक हम लोगों के सभी भावनाओं के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, इसीलिए उस बात को लेकर के यहाँ पर सब लोग हम एकत्रित हुए हैं। इस दौरान समिति के सदस्य 24 घंटे शांतिपूर्वक अनशन करते हुए सरकार का विरोध कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि तीर्थराज को पर्यटन नहीं बस तीर्थ स्थल के रूप में ही जाना जाए। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड भी संगठन के सदस्यों के हौसलों को पस्त नहीं कर पा रही है। चाहे दिन हो या रात, सभी सदस्य एकजुट होकर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। जैन फोकस के लिए ऋषभ विहार, दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।